हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु मंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Ace of Swords, Page of Pentacles, The Lovers, Nine of Swords, and Six of Pentacles, Ace of Swords। लगता है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ है, या कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो वो किसी ना किसी इशू के वजह से बहुत अच्छा नहीं है आजकल। या फिर आपका पर्सन आपसे बात तो कर रहा है मगर अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता रहा। यहाँ एक सेपरेशन हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, पर सेपरेशन होने से क्या फर्क पड़ता है? है तो आप द लवर्स, द लवर्स के कार्ड के साथ आप डीपली कनेक्टेड हैं। आप एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर सकेंगे इस वीक में। हो सकता है एक्वेरियस आपको ऐसा लगे कि आपका मूड कभी अच्छा है और फिर कुछ समय बाद आपको लो फील हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं और आपकी भी एनर्जीज इस पर्सन को अफेक्ट कर रही हैं। लवर्स प्रोटेक्टेड है, यानी एंजल आपको देख रहा है, यानी यूनिवर्स आपको देख रहा है। और यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके इस डीप कनेक्शन को तोड़ दे या फिर यहाँ पे कोई इशू क्रिएट हो। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ये अच्छी तरह से रियलाइज हो रहा है कि जो पेंटिकल इन्हें मिला था वो आपकी बदौलत था, यानी आपके ही वजह से इनके लाइफ में ब्लेसिंग्स थी, आपके ही वजह से इनके लाइफ में हैप्पीनेस थी, आप ही रीजन थे कि ये अपने लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छी तरीके से रियलाइज हो गई है आपकी वैल्यू। ये समझ गए हैं कि आपकी जगह क्या थी उनके लाइफ में, आपके इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई इग्नोरेंट इंसान है जो कि शायद आपको पहले टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस सेपरेशन से वो मूव ऑन कर जाएंगे या ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे। इस पर्सन को किसी बात का तो पछतावा है, शायद अपने कमिटमेंट को तोड़ने का, अपने प्रॉमिस को तोड़ने का, आपसे वो बातें कहने का जो उन्हें शायद नहीं कहनी चाहिए थी, आपको हर्ट करने का एंड कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करने का। इस पर्सन को बहुत अफसोस है। ये पर्सन आजकल ये सोच रहा है कि उन्होंने जो कहा वो कहा ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ इन द फर्स्ट प्लेस, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर उन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं ऐसा कुछ कहने या करने से। इस पर्सन को हेल्पलेस फील हो रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का ये भी मतलब है कि इनके आसपास कोई नहीं है जो इनकी बात समझ सके, जिनसे ये बात कर सके और अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सके। सबसे बड़ी बात कि ये पूरी तरह से लाचार है इस वक्त। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, आप ही उनको ये पेंटिकल दे सकते हैं और आप ही उन्हें इस हालत से बाहर निकाल सकते हैं। हालत से मेरे कहने का मतलब है कि ये पर्सन बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि
इन्होंने आपको लूज किया है और अब बाकी सब भी इनके साथ नहीं है, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है और इन्हें पूरी तरह से लाइफलेस महसूस हो रहा है। इन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं, इन्हें इंपॉर्टेंस देने वाला कोई नहीं और इन्हें अब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। बहुत सारे स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन या फिर एयर साइन से डील कर रहे हों। वैसे साइन कोई भी हो सकता है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूल, Five of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Wands. Ace of Cups. Okay, तो हमारे पास द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी नहीं हो। यू नो, ये चीजों से लड़ रहे हैं, ये इनके अपने अंदर के ईगो को दर्शाता है। यहाँ पे ये पर्सन अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग से लड़ रहा है, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट से लड़ रहा है और इसके अलावा ये लोग भी हो सकते हैं जो इनको गलत ओपिनियन दे रहे हैं या जो आपके और इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जिनसे इनकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। यू नो, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर सकता है, पर ये एक्चुअली में ऐसा कुछ करने वाले हैं क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन के लिए आप कंप्लीट हैं। उन्हें दिख रहा है कि आप कौन हैं, आप उनके लिए बहुत सारा लक लेके आए हैं, आप उनके ट्रू लवर हैं, आप जेनरस हैं, आप हेल्पिंग हैं और ये पर्सन इन क्वालिटीज को इग्नोर नहीं कर सकता, स्पेशली इस इन सब के बाद ये जो कुछ भी हुआ। यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू नो ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा, ये पर्सन आपको एक्सप्लेनेशन देगा, एक्सक्यूजेस देगा कि आखिर उन्होंने ये क्यों किया और अपनी बातों को आपको समझाने की कोशिश करेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाने की कोशिश करेगा एंड पूरी तरह से ये सोचेगा कि इन्हें ये कैसे करना है। और एस ऑफ कप्स के साथ यू नो ये इनके लिए तोहफा है। ओके, आप उनके लिए एस ऑफ कप्स है, वो इस एस ऑफ कप्स को गवाना नहीं चाहते। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स से आप लास्ट में एस ऑफ कप्स बन गए हैं यहाँ पे। तो इस वीक में आपके लिए बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे और एस ऑफ कप्स के साथ आपको ये पर्सन फील कराएगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और आप उनके लाइफ में कौन सी जगह रखते हैं। आपको भी ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको आपका पर्सन मिल गया है, आपको वो ब्लेसिंग मिल गई है जो आप कब से चाहते थे और यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। तो ये वीक जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। एक्वेरियस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, बर्च। बर्च आपसे कह रहा है कि सरफेस के नीचे बहुत कुछ है, यहाँ पे आपके अंदर अभी भी बहुत फीलिंग्स बाकी है, अभी भी ऊपर से ये जो सूखी हुई डाली आपको दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर लाइफ नहीं है पर अंदर से ये अभी भी जिंदा है और ये रिलेशनशिप अभी भी बाकी है एंड सरफेस के नीचे बहुत कुछ है जब आप देखेंगे। तो ये है रीडिंग आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो.